लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। बलिया महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्षेत्र के शिवालय बम बम हो उठे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय आदि उद्घोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने भोर से लेकर देर रात्रि तक शिवालयों में मत्था टेका और बेलपत्र, भांग, धतूरा के साथ दूध एवं जल चढ़ाकर बाबा का अभिषेक किया। लखनेश्वर धाम गर्भगृह में स्थित बाबा लखनेश्वर महादेव शिवलिंग का पूजन दर्शन के पूर्व लोगों ने तमसा नदी में डुबकी भी लगाई। बुधवार की अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी था, जो गुरुवार को पूरे दिन चला। इस दौरान श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर पर भी काफी चहल पहल रही, जहां मंदिर के महंत दीनदयाल दास उर्फ बालक बाबा श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण कर लोगों को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे। वहीं कस्बा के श्रीनाथ बाबा मठ सहित कोटवारी, जाम, नागपुर, गौरा, अमहर, नागपुर, अजीजपुर, खड़सरा सहित विभिन्न शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर लखनेश्वर धाम से श्रद्धालुओं ने 54 फीट लंबी कांवर यात्रा निकाली, जो बाबा लखनेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर बलिया के बाबा बालेश्वरनाथ के लिए रवाना हो गए, जो लोगों में श्रद्धा का केंद्र बने रहे। राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। सर जी, जरा आपने पर्चे बता दीजिए। अपना नाम लेते हुए बोल दीजिए। लखनेश्वर का मंदिर दीनदयाल दास पुजारी और महाशिवरात्रि के अवसर पर ये सब मेला लगा है और जनता के हम लोग प्रसाद बांटते हैं और प्रसाद भी वितरण होता है, भोजन भी होता है और खुशी खुशी से लोग भगवान को दर्शन करते हैं। शंकर जी की विशेषता क्या है? शंकर जी का त्रेता युग का और राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए थे तो लखन जी का स्थापना किए थे, इसीलिए वहाँ विशेषता। धन्यवाद।